नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर 907 सालों तक संभोग कैसे किया। यह प्रश्न निरंतर मेरी हर वीडियो के कमेंट में आ रहा था, तो आज यह वीडियो आ ही चुकी है। सबसे पहले सब नौजवान ये कहते हैं कि आप तो बताते हो अगर वीर्य नहीं होगा तो हमारे अंदर कमजोरी आएगी और अनेकों बीमारियाँ होंगी। उसके बाद कहते हैं तो फिर महर्षि कांडू ने 907 सालों तक संभोग कैसे किया, ये कैसे संभव है। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर सुनना। सबसे पहले बताते हैं, ये हजारों वर्षों पहली बात है। महर्षि कांडू अपनी तपस्या कर रहे थे और देवलोक में बैठे देवराज इंद्र को डर लगने लगा कि ये मेरी गद्दी ना छीन ले। इसलिए उन्होंने इस डर के कारण अप्सरा को भेजा और अप्सरा ने इनका मन बहला दिया और महर्षि कांडू की उत्तेजना बढ़ गई और उन्होंने 907 सालों तक संभोग किया। यह जितनी बात लिखी हुई है यह पुराणों के पंडितों ने कपोल कल्पित मन से बनाकर कुछ का कुछ गढ़ दिया है। इसमें 1% बात भी सत्य नहीं है। हम पूरी तरह बताएंगे कि सत्य क्यों नहीं है। इसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखकर इससे क्या सीख लेंगे, अपने मन में गलत विचार ही लाएंगे वो यह कहानी भी सुनकर। उनकी नौजवानी गलत बेकार जाएगी और अपना वीर्य नाश करेंगे वो। आप किसी छोटे बच्चे को यह कहानी सुनाओगे या वो अपने आप पढ़ेगा किताब में देखकर, तो वो सोचेगा हमारे तो ऋषि मुनि ऐसे होते थे। तो बताओ कितनी बुरी एक कहानी लिखी है अपने मन से गढ़कर पुराणों में पंडितों ने। मैं आपको बताता हूँ, जो अखंड ब्रह्मचर्य होता है जिसने पूरे जीवन भर भी वीर्यनाश नहीं करा, उसकी उम्र वेदों में 400 वर्ष बताई हुई है। और देखो ये तो 907 साल हो गए। पहली बात, ये झूठ है कि नहीं है? 400 वर्ष बता रखी है जिसका वीर्य नाश नहीं होता, वेदों में इतनी उम्र है, उससे ज़्यादा उम्र नहीं है। दूसरी बात रही कि देवराज इंद्र, उन्हें उससे क्या मतलब है? ईश्वर तो सबको तपस्या भक्ति करने का बराबर अवसर देते हैं, परंतु कोई करता है नहीं करता है। इसमें देवराज राजा इंद्र का कोई रोल नहीं है, कोई भी कहीं से भी कहीं तक कोई रोल नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानी है। ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसकी सब ध्यान तपस्या करते थे और देवराज इंद्र का इससे कोई मतलब कोई वास्ता नहीं है। यह वीडियो बिल्कुल ही झूठी है, बिल्कुल यह कहानी झूठी है, बिल्कुल ही जो लोगों ने बना रखी है, पुराणों के पंडितों ने बना रखी है। बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और यही मेरा हर वीडियो में कमेंट भी आता है। संभोग से कमजोरी आती है, हस्तमैथुन से कमजोरी आती है, और आप ये बताइए कि फिर इतने सालों तक कैसे संभोग करते हैं। ये प्रश्न कठिन था परंतु समझने वालों के लिए बहुत आसान था। इसलिए दोस्तों, इन जो बुरी कहावतें हैं इन पर कभी मत ध्यान दो। हमारे ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे, वो धर्म पर चला करते थे, मेहनत करते थे, तपस्या करते थे, भक्ति करते थे। उन्होंने हमारे लिए वेद लिखे हैं जिनमें हर चीज़ का ज्ञान है, इसलिए उन पे ऐसा अंजाम लगाना सही नहीं है। जो आपको यह कहानी बताए उन्हें कह दो तो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें जो आपको ऐसी कहानी सुनाए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसी कहानी बिल्कुल भी ना सुने हमारे महर्षियों की। इन्होंने ही तो हमें बहुत कुछ सीखने को दिया है, जो हम हैं आज इन्हीं के दम पर तो हैं। इसलिए दोस्तों, किसी की कहानी मत सुने, और कोई सुनाता है तो उसको समझाओ, हमारी वीडियो शेयर करें, उसको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा कि आपने एक नौजवान की जिंदगी बदल दी। तो बताओ दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी?